देखो डिमांड क्या होता है, अगर सिंपली अगर हम डिमांड को डिफाइन करते हैं तो क्या बोलते हैं, इट इज द डिजायर और विलिंगनेस फॉर एनी गुड, किसी भी गुड के लिए डिजायर करना या विलिंगनेस करना, वो क्या कहलाता है, डिमांड। ठीक, लेकिन जब डिमांड को एग्जैक्टली हम डिफाइन करते हैं, ये तो जनरल वे में, ये तो जनरल डेफिनेशन है डिमांड का, बट इकोनॉमिक्स में डिमांड को डिफाइन करने के लिए मैं बताया था पांच चीजें होना चाहिए हमारे पास, क्या क्या होना चाहिए, डिजायर होना चाहिए, विलिंगनेस टू बाई होना चाहिए, ये बाई है ना, विलिंगनेस टू बाई, बी बाई है, एबिलिटी टू पे होना चाहिए एक पर्टिकुलर प्लेस में और एक पर्टिकुलर टाइम में। तो जब ये पांच चीजें मिलकर बनती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? ये मैं एक्सप्लेन उतना नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को कल कर चुका हूँ। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Desire yes, sir. plus willingness to pay, ability to pay, a particular place and particular time is equal to demand for anything, either for good or either for services. ठीक? अब देखो क्या है, और डिमांड को और अच्छी तरह समझने के लिए ना हम लोग को क्या जरूरत पड़ेगा, हम लोग को जरूरत पड़ेगा लॉ ऑफ डिमांड का, कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मांग का नियम। तो ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ये क्या बताता है, इट एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ पर्टिकुलर गुड। मतलब ये किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है, क्वांटिटी डिमांडेड, किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड और उस एक पर्टिकुलर गुड के बीच में रिलेशनशिप बताता है। अब देखो ये रिलेशनशिप क्या बोलता है, ये क्या बोलता है कि अगर कोई भी गुड का प्राइस बढ़ है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, और जस्ट अपोजिट का किसी गुड की प्राइस अगर कम हो रही है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि डिमांड और किसी भी गुड के मतलब क्वांटिटी डिमांडेड में और प्राइस में नेगेटिव रिलेशनशिप है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, प्राइस कम हो जाएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोग को? देखो आरईओ 2017 में पूछा था कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है करके। तो लॉ ऑफ डिमांड अगर आपसे दो टाइप से इसका क्वेश्चन आ सकता है, इसका क्वेश्चन आएगा कि ये किसके किसके बीच रिलेशनशिप बताता है, तो ये बताता है क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में और किसके बीच में, प्राइस के बीच में। ठीक, और पूछेगा कि कैसा रिलेशनशिप है, तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। किसके किसके बीच नेगेटिव रिलेशनशिप, क्यों, क्योंकि देखो क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है, और प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है। ठीक है, क्लियर हुआ लॉ ऑफ डिमांड? सर एक बार और बता दीजिए। देखो जो लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या बताता है, ये फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है किसके बीच, क्वांटिटी डिमांडेड के बीच और किसी भी कमोडिटी के प्राइस के बीच। तो देखो दो टाइप से रिलेशनशिप हो सकता है, ये बोल रहा है कि नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, तो दो टाइप से हो सकता है। एक क्या होगा, अगर किसी कमोडिटी का मान लो प्राइस है वो बढ़ रहा है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, और किसी कमोडिटी है उसकी प्राइस कम हो रही तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। इसको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल समझते हैं हम लोग, यहां पर देखना, अब आप लोग देख रहे हो, देखो देखो यहां पर आप लोग को दिख रहा है, यस सर, देखो यहां पर आप लोग को दिख रहा है, देखो जैसे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया मैंने, देखो यहां पर देखो प्राइस कितना है, 20 है, ठीक, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, 100 रुपीस है। ठीक, अब देखो जैसे यहां पर क्या है, प्राइस बढ़ते जा रहा है, 20 से 40 हो गया तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई, 80 हो गई। करें क्लास, देखो क्या थे हम लोग हाइपोथेटिकल एग्जांपल में थे, देखो यहां पर क्या है, प्राइस 20 था तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, 100 थी, फिर यहां पर प्राइस 40 हो गया तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड 80 हो गई, फिर यहां पर देखो प्राइस 60 हो गया तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई, 60 हो गई, फिर 80 तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई, 40, फिर 100 तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड 20। तो आप लोग देख रहे हो जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जा रहा है, ठीक है, प्राइस बढ़ रहा है यहां पर, पहले 20 था, अब प्राइस 100 हो गया, लेकिन अब आप लोग देख रहे हो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती जा रही है, प्राइस बढ़ने के साथ क्वांटिटी डिमांडेड घटते जा रही है। तो ये देखो क्या बताता है कि नेगेटिव रिलेशनशिप है, मतलब अगर अगर प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, कम होगी, और अगर प्राइस कम होगा, ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये क्या बताता है, यही बताता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इसके भी क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस। तो देखो यहां पर इसलिए लिखा है, एक लाइन याद रखना आप लोग, देयर इज अ नेगेटिव स्लोप्ड कर्व। अब देखो यही टेबल, ये जो मेरा हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, देखो ये जो मेरा हाइपोथेटिकल मेरा एग्जांपल है, इसी एग्जांपल को अगर मैं इसमें प्लॉट करूं, ठीक है, ये देखो मैं प्लॉट किया हूं, ठीक, हमेशा याद रखना आप लोग
x एक्सिस में, आप लोग को पता है x एक्सिस और y एक्सिस किसको बोलते हैं? यस सर पता है। तो देखो ये नीचे वाला जो होता है ना, ये क्या होता है, x एक्सिस होता है, ठीक, और ये वाला क्या होता है, y एक्सिस होता है। तो y एक्सिस में हमेशा हम लोग प्राइस लेते हैं और x एक्सिस में हमेशा हम लोग क्या लेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड लेंगे। तो देखो मैंने पुट किया यहाँ पर 20, 40, 60 एंड 80 और यहाँ पर प्राइस मैंने पुट किया हुआ है, ठीक है, दिख रहा है आप लोग को? अब देखो जब वहां पर प्राइस 20 था तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी यहाँ पर, तो आप लोग जब इसको हम लोग जब ये देखो ये वाला जब हम लोग पुट करेंगे ये वाला, तो आप लोग को दिख रहा है ये जो कर्व है कैसे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड डाउनवर्ड स्लोप है ये, ठीक है, बोलते हैं ये क्या होता है, नेगेटिव स्लोप होता है, ठीक। देखो मैं क्या बोल रहा था, अपन को क्या पता चल गया, अपन को लॉ ऑफ डिमांड से क्या पता चला कि क्या है, देर इज ए क्या है, देर इज ए नेगेटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप है इसके बीच में प्राइस, प्राइस के बीच में और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, ठीक। अब ये कैसा स्लोप है, आपका क्वेश्चन ऐसे आएगा कभी कभार, आपको पूछेगा कि जो डिमांड का स्लोप है वो कैसा स्लोप है, तो कभी कभी क्वेश्चन आएगा जैसे नेगेटिव स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है, ऐसा आएगा, तो अपन को क्या लिखना है, नेगेटिव स्लोप आएगा आंसर। और कभी कभी पूछेगा आपको डाउन टू अर्थ पूछेगा, ठीक है, डाउनवर्ड पूछेगा, अपवर्ड पूछेगा, तो कैसा होगा, डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड है, ठीक है। तो अपन को क्या है, दोनों वर्ड याद रखना है, डाउनवर्ड होता है एक डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड में भी देखो डाउनवर्ड कैसा है, लेफ्ट टू राइट है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, लेफ्ट टू राइट है इसका जो कर्व है ना वो डाउनवर्ड, ये देखो ये हमारा लेफ्ट है, ये देखो लेफ्ट से राइट आ रहा है ये, yes, sir. ये पोर्शन है आप लेफ्ट, ये है राइट, तो डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट आ रहा है। तो ये पूछिएगा, तीन टाइप से पूछ सकता है, नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, ऐसा डाउनवर्ड अपवर्ड और लेफ्ट टू राइट। तो हमेशा याद रखिएगा नेगेटिव स्लोप है, डाउनवर्ड है और लेफ्ट टू राइट है, ठीक है, yes, sir. अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ डिमांड।